एनएचएम का जो इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बीच में हमने कॉल ऑफ किया था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं हमें ये बात कही थी कि विद इन डेज में हम आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है जो पोस्ट है आपकी क्रिएट करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो मजाक है वो इस तरह का है। ये पोस्टें जो इनके साथ किया गया, इन्होंने मेरी बात हुई जो सीनियर ऑफिसर हैं ऑफिस ऑफ द CMO जो है बांडीपोरा के, इन्होंने एक पोस्ट निकाली है स्टाफ नर्स की, ये पोस्टें ये एडवर्टाइज कर रहे हैं। इन्होंने उस टाइम पे पूरे जम्मू कश्मीर में पोस्टें फ्रीज करके हमें बोला गया कि आपको जो है पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो MD सर ने अपने हाथों के द्वारा लिखा गया, जो मेरे पास पेज पड़ा हुआ है, जो DO लेटर गवर्नर सर के पास गया था, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया था, इसके ऊपर इन्होंने लिखा था कि जो आपका क्राइटेरिया जो हमने इन्होंने हमें बोला था कि आपको 40 पॉइंट दिए जाएंगे, और बाद में इन्होंने हमारे साथ मजाक किया कि इन्होंने हमारे बच्चों को 10 पॉइंट दिए। मैं तो चाहता हूं मुझे मजबूर होकर 420 का पर्चा अपने जो अपने सीनियर अफसर हैं इनके ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 420 हमारे साथ की है। इन्होंने हमें झूठ बोल के उधर से वो किया, 10 पॉइंट बाद में दिए गए। एक तो झूठ फ्रेब का पर्चा लगाएंगे इनके ऊपर, और दूसरा मैं लेटर एक फॉरवर्ड करूँगा, एक लिख के अपनी DC मैडम को, अपनी लवानसा को, एक SSP सर को, एक DIPCOM सर को, ये मेरे 4 लेटर जाएंगे कि इनमें बच्चे ऐसे मेंटली हरास, मेरी बात होती रहती है फ़ोन पे, मुझे बोलते हैं 2 दिन के बाद आपकी पोस्टें रिलीज करेंगे, 2 या 5 दिन के बाद। आज करते करते 1.5 से 2 महीना हो गया इन बंदों ने लास्ट में एक पोस्ट रिलीज किया, वो भी एक पोस्ट स्टाफ नर्सिस की। हम इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। पहले इन्होंने हमें 40 पॉइंट का हवाला दे के 10 पॉइंट बच्चों को हाथ में दे दिए, उधर भी हम कुछ नहीं बोले, अब लास्ट में ये क्या कर रहे हैं, हर एक जगह पे एक एक पोस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम कैसे इतने बच्चे कैसे फॉल करेंगे उस जगह पे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी DIPCOM सर से और अपनी DC मैम से, अगर कोई लास्ट में बच्चा कोई NHM की बिल्डिंग से मर गया, सुसाइड कर गया, उसमें मेरा कोई मुझे कोई ब्लेम नहीं होगा। मैं पहले 4 महीने से मैं प्रोटेस्ट को लीड कर रहा हूँ। अगर बीच में इनकेस कोई बच्चा मर जाता है जहाँ, क्योंकि बच्चे मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अगर कोई बच्चा मर जाता है NHM की बिल्डिंग से गिर के, उसका रिस्पॉन्सिबल ये बिल्डिंग वाले होंगे, जे हमारे जो ये एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जिन्होंने हमें झूठ बोल के पहले ये 40 नंबर के पॉइंट दिए थे, बाद में 10 पकड़ा दिए, और अब एडवर्टाइजमेंट भी हमारी जो है नहीं निकाल रहे हैं। देखो मैम, हमें आपको पता ही होगा कि हम 4 महीने से रोडों पे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और हमें आश्वासन मिला था कि इन्होंने हमें एक DO लेटर दिया था सर ने, MD सर ने हमारे, उन्होंने बोला था कि हम आपको प्रेफरेंस देंगे 40 पॉइंट्स की। अब ये एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं जिसमें हमें 10 पॉइंट्स दे रहे हैं, और जिसमें पोस्टें मिल रही है हमें एक स्टाफ नर्सिस की। व्हाट अबाउट लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, वो कहाँ जाएंगे? एनओस, जो इतने बच्चों का इन्होंने बोला था कि हम कुछ पोस्टें क्रिएट करेंगे, वो कहाँ गया? मैं बोलती हूँ ये इतने लॉलीपॉप कब तक ये लॉलीपॉप देंगे? सब यूथ बाहर बैठा है, हम ही नहीं बैठे, यहाँ और भी सारे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। ये कर क्या रही है गवर्नमेंट? कुछ इन्होंने सोचा भी है यूथ के लिए कि कुछ नहीं?